गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आवर नेक्स्ट प्रिपरेशन इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। ठीक है, देखो जी प्रिपरेशन है, फर्स्ट स्टेप इसका यह है कैल्शियम सल्फेट टू वाटर, इसको कहते हैं जिप्सम। क्या कहते हैं इसको? जिप्सम। जिप्सम को अगर हीट करते हैं 100 डिग्री सेल्सियस, दैट टेम्परेचर का ध्यान रखना 100 डिग्री सेल्सियस, तो ये क्या होता है कि इसमें से जो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, सो 1.5 मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स बच जाते हैं, इसको बोलते हैं पीओपी, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगर टेम्परेचर आपने बढ़ा दिया 100 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा, तो होगा क्या कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है, ये पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएगा, एंड दैट इज दैट टू बी द डेड बर्न प्लास्टर, ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस, देन द एंटायर वाटर मॉलिक्यूल्स विल गेट इवापोरेटेड एंड इट विल बिकम यूजलेस, एंड दैट इज सेड टू बी द डेड बर्न प्लास्टर, PLASTER। ठीक है, नाउ प्रॉपर्टीज, कलर एंड स्टेट, इट इज ए वाइट पाउडर, PDL मतलब ही पाउडर शॉर्ट फॉर्म में, रिएक्शन विथ वाटर, या इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट अगर वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा तो वापस बन जाता है जिप्सम। ठीक है, आपने देखा होगा कि जब हाथ या पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वो क्या करता है, कुछ कपड़ा रखता है, फिर पानी से उसके ऊपर लगाता है, कुछ टाइम के बाद वो हार्ड हो जाता है। तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस ही होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स यानी वाटर से उसको रिएक्ट करवाता है तो एक हार्ड मास में कन्वर्ट हो जाता है, उसको कहा जाता है जिप्सम। क्या कहा जाता है? जिप्सम। अब इसका यूज क्या है? इट इज़ यूज इन द मेडिकल साइंस, जैसे फ्रैक्चर हो जाता है तो उसको, उन फ्रैक्चर जॉइंट्स को सेट करने के लिए मेडिकल साइंस में प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज किया जाता है। इट इज़ यूज इन द प्रिपरेशन ऑफ टॉयज, आपने देखा होगा पीओपी के टॉयज आते हैं, स्टैचूज भी बनाते हैं, चौक ये भी पीओपी के बनाए जाते हैं। फिर सरफेस को स्मूथ करने के लिए, कोई सरफेस रफ है तो उसको स्मूथ करने के लिए पीओपी यूज किया जाता है। फायर प्रूफिंग मटेरियल्स में भी पीओपी का यूज होता है। देखो जी, इसमें एक टॉपिक और था पहले कि जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट दो टाइप के होते हैं, एक होता है एनहाइड्रस और एक होता है हाइड्रेटेड। ठीक है, एक होता है एनहाइड्रस सॉल्ट्स और दूसरा होता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। जैसे हमने पढ़ा था कॉपर सल्फेट 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, फेरस सल्फेट 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, सोडियम कार्बोनेट 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। तो ऐसे सॉल्ट्स को कहा जाता है हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। और ये अब बोलोगे सर ये वाटर मॉलिक्यूल्स का क्या है, इसको कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन मीन्स फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आर अटैच्ड टू ए कंपाउंड और ए यूनिट मास ऑफ ए सब्सटेंस। ठीक है, तो इसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे कॉपर सल्फेट के साथ में 5 वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, फेरस सल्फेट के साथ 7 हैं, वॉशिंग सोडा के साथ 10 मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनको कहते हैं हाइड्रेटेड सॉल्ट। लेकिन अगर इसको हीट कर देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स हट जाएंगे तो वो एनहाइड्रस सॉल्ट, फेरस सल्फेट हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स इवेपोरेट हो जाएगा तो ये एनहाइड्रस सॉल्ट। तो एनहाइड्रस सॉल्ट्स मतलब विदाउट वाटर, और हाइड्रेटेड सॉल्ट मीन्स विथ सर्टन अमाउंट ऑफ फिक्स्ड वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड टू दैट कंपाउंड, दैट आर नोन एज हाइड्रेटेड सॉल्ट्स। नाउ द चैप्टर इज कंप्लीटेड। थैंक यू।